नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कृषि विधेयक के खिलाफ शुक्रवार को किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई किसान संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी भारत बंद बुलाया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, अखिल भारतीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन द्वारा देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों को आश्वासन दिया है कि यह विधेयक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे और MSP की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। इसके बावजूद किसान संगठनों का कहना है कि यह विधेयक कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाले हैं। इसी के चलते देश भर में बंद बुलाया गया है। विरोध की वजह से पंजाब, हरियाणा और बिहार में सड़क मार्ग प्रभावित हो गया है। कई जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों का ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच तेज कर दी है। NCB ने सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आज ड्रग्स कनेक्शन के सिलसिले में रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा NCB ने दीपिका पादुकोण और वन टैलेंट एजेंसी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। हाल ही में दीपिका और करिश्मा प्रकाश की ड्रग्स चैट सामने आई थी। इसमें करिश्मा दीपिका को हैश देने की बात कर रही थी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी के साथ मुंह की साफ सफाई, ओरल हाइजीन पर भी ध्यान देना होगा। एम्स के वैज्ञानिकों का दावा है कि बैक्टीरिया के साथ साथ लार के जरिए भी वायरस शरीर में पहुंच सकता है। एम्स दिल्ली की CDR शाखा के डॉक्टर अमृता चावला बताती हैं कि जो लोग महामारी में लंबी यात्रा करते हैं उनके चेहरे पर मास्क होता है, इस कारण लार का बनना काफी कम हो जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के संदर्भ में गुरुवार को कहा कि दोनों देश अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन अपनी वृद्धि के साथ साथ ही कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हैं, यह एक बड़ा मुद्दा है जिसका एक हिस्सा सीमा विवाद है। जयशंकर ने विश्व आर्थिक मंच पर दुनिया के कुछ अहम मसलों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण को लेकर हमें अपनी सोच में बदलाव करने की जरूरत है। बाजार नियामक सेबी ने ग्राहकों के हित में निवेश सलाहकारों के लिए शुल्क, योग्यता और आवंटन सहित कई मुद्दों पर गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत निवेश सलाहकार निवेशकों से प्रबंध की जा रही संपत्ति का अधिकतम 2.5% शुल्क ले सकेंगे। सेबी के नए निर्देश 30 सितंबर 2020 से प्रभावी हो जाएंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने गाइडलाइन में कहा है कि सलाहकार अपने ग्राहक से दो तरीकों से शुल्क ले सकेंगे। प्रबंधन के अधीन संपत्ति के मामले में सभी सेवाओं पर प्रति ग्राहक सालाना अधिकतम 2.5% और फिक्स शुल्क मामलों में सालाना प्रति ग्राहक 1,25,000 रुपए से वसूली नहीं की जा सकेगी। सलाहकार किसी एक तरीके से ही शुल्क ले सकेंगे और 12 महीने पूरे होने के बाद ही शुल्क लेने के तरीके में बदलाव किया जा सकेगा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से जारी विवाद खत्म करने के लिए भारत फिलहाल शीर्ष स्तर कूटनीतिक बातचीत की पहल नहीं करेगा। किसी कूटनीतिक पहल से पहले भारत को दोनों देशों के बीच हुई सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता के परिणाम का इंतजार है। हालांकि संवाद जारी रखने के लिए जल्द ही सैन्य कमांडर स्तर की एक और दौर की वार्ता के अलावा सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की बैठक शीघ्र ही होगी। ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी का सर्वर हैक कर 100 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। कोतवाली फेज 3 पुलिस और साइबर सेल ने बुधवार को सेक्टर 100 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को सस्ते दर पर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे थे। खास बात यह है कि आरोपी आधे दाम पर आईफोन देने का भी झांसा देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 18 लाख नकद, 10 मोबाइल, 5 लैपटॉप, 12 डेबिट कार्ड, 4 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 2 इंटरनेट डोंगल, 2 चेकबुक और 2 एप्पल वॉच बरामद किया है। केंद्र ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की 50% तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। राज्य इन पैसों से क्वारंटीन सुविधाएं, जांच प्रयोगशालाएं, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर पाएंगे और वेंटिलेटर व PPE किट भी खरीद सकेंगे। यह फैसला सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बुधवार को हुई बातचीत के बाद किया है, जिसमें PM ने कहा था कि कोरोना संबंधी स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग 35% से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है।
कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से रोजगार व आर्थिक सुधार को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। इसका असर लोगों के खर्च पर भी दिखने लगा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सर्वे के मुताबिक महामारी के डर से हर 10 में से 9 भारतीय यानी 90% लोग खर्च करने में सतर्कता बरत रहे हैं। इसके अलावा 76% मानते हैं कि महामारी ने उन्हें खर्चों पर सोचने को मजबूर किया है। वैश्विक स्तर पर 62% लोग ऐसा सोचते हैं। इसके अलावा 80% भारतीय बजट बनाने वाले साधन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ऐसे उपाय कर रहे हैं जिसमें एक सीमा के बाद उनकी कार्ड से खर्च पर रोक लग सके। 78% भारतीयों ने कहा कि वे ऑनलाइन खरीदारी पसंद करेंगे। नंदनगरी में गुरुवार को रात एक क्लस्टर बस ने कोहराम मचा दिया। फ्लाईओवर से उतरते वक्त बस एक ट्रक से टकरा कर नियंत्रण खो बैठी, जिसके बाद बस ने एक एक कर कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। सड़क पर चारों ओर खून ही खून बिखर गया। जैसे ही स्थानीय लोगों को हादसे की जानकारी मिली तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कोरोना वायरस का संक्रमण थमता ना देखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे प्रदेश में लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए। घर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि उसका मुंह और नाक ढका हो। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर मौजूदा कानून के तहत ही कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों की तरफ से राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर लगातार कोशिशें हो रही हैं। 10 सितंबर को मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत और मंगलवार को मिलिट्री कमांडरों की बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि सीमित डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी और दोनों पक्ष एलएसी पर यथास्थिति को सुनिश्चित करने की कोशिश में हैं। हालांकि धोखेबाजी की जो चीन की फितरत है, उस वजह से उस पर यकीन करना मुश्किल है। यही वजह है कि भारत अब पूरी तरह सतर्क है ताकि ड्रैगन किसी चालबाजी में कामयाब ना हो। इस साल होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने के लिए डाली गई एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने इसे लेकर केंद्र और संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तय की गई है। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए हैं। कोविड-19 के कारण यूपीएससी ने पहले जून में होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का शेड्यूल भी बदला था। नए शेड्यूल के अनुसार यह परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अगर कोई महिलाओं से छेड़खानी, दुर्व्यवहार या यौन अपराध करता है तो उसके पोस्टर शहरों में चौराहे पर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये काम उसी तर्ज पर किया जाएगा जैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले आरोपियों के पोस्टर शहरों के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए थे। इस आदेश के तहत अब महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वालों को महिला पुलिसकर्मियों से ही दंडित कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि ऐसा कदम इसलिए उठाया जा रहा है जिससे कि महिलाओं और बच्चियों से दुर्व्यवहार करने वालों को पूरा समाज जान सके। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की साजिश रचने और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र संघ नेता उमर खालिद को अदालत ने 22 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली हिंसा मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर पर कई धाराओं के तहत ही UPA के तहत भी मामला दर्ज किया है। पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद खालिद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष पेश किया गया था। खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनकी और हिरासत नहीं मांगी। बिहार के बाद अब राजस्थान के पुलिस प्रमुख भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया है। इसकी पुष्टि राजस्थान के एक शीर्ष नौकर शाह ने की है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है। उनके स्थान पर DGP अपराध ML लाठर की नियुक्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह राजस्थान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दीपक उप्रेती की जगह ले सकते हैं या फिर उन्हें अजमेर में MDS विश्वविद्यालय के नए कुलपति की जिम्मेदारी दे सकते हैं। उप्रेती की अगले हफ्ते सेवानिवृत्ति होनी है। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में उन्हें जून 2021 तक का विस्तार दिया गया था। देश के संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के श्रमिकों को सुविधाएं देने के लिए नए श्रम विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। इस कानून में नौकरी पेशा लोगों को मुनाफा होगा। अब ग्रेजुटी लेने के लिए नौकरी पेशा लोगों को 5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ग्रेजुटी 5 साल की जगह 1 साल में मिल सकती है। अभी ग्रेजुटी का लाभ पाने के लिए एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना जरूरी है। नए प्रावधानों के अनुसार अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ साथ ग्रेजुटी का फायदा भी मिल सकेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस नेता को लफाजी का लॉलीपॉप बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लफाजी का लॉलीपॉप हो गए हैं। लफाजी से ज्यादा इनके पास और कुछ रह नहीं गया है। रोज कहीं से उधार कविता लिखाकर ट्वीट कर देते हैं। पंजाब के डेराबस्सी कस्बे में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां वीरवार की सुबह निर्माणाधीन बहुमंजिल इमारत गिर गई। मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि बाकी लोगों को निकालने के
प्रयास जारी हैं। डेराबस्सी मेन बाजार के नजदीक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत ढही, इमारत के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जब हादसा हुआ तब मजदूर काम कर रहे थे, इन्हीं मजदूरों के मलबे के नीचे दबे होने की बात कही जा रही है। पाली हिल्स वाले ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई गई अर्जी पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, शिवसेना सांसद संजय राउत और बीएमसी अधिकारी भाग्यवंत लाते ने एक एप्लीकेशन दायर कर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा है। अदालत ने इस पर विचार करते हुए उन्हें शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कल ही इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बुधवार को भारी बारिश की वजह से हाईकोर्ट बंद हो जाने के कारण सुनवाई गुरुवार के लिए टल गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।